हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अभिलाषा नाहटा, योर जनरल नॉलेज टीचर फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपनी लास्ट वीडियो एंजॉय की होगी जनरल नॉलेज की. बहुत से बच्चों ने मुझे आपकी अपना होमवर्क भी सेंड किया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. वी विल कम्प्लीट दीज चैप्टर्स. आवर थर्ड चैप्टर इज लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना, दैट इज your state Uttar Pradesh, one of the most important state of India, one of the most populous state of India. And second is Indian museums, which plays a very vital role in preserving our local culture. So start with the chapter. First of all, before starting this chapter, I would like to show you a little video about the state Uttar Pradesh. So start with that. Students, we have seen about our state Uttar Pradesh, about some of the important features of the state Uttar Pradesh. So start with the chapter number 4, lands of Ganga and Yamuna, which is the state Uttar Pradesh. Chapter number 4, page number 10, land of Ganga and Yamuna. Uttar Pradesh, often referred to as UP, is a state located in the northern part of India. So now read the description carefully and try to identify these places of Uttar Pradesh. Before going further, Uttar Pradesh capital, apne video mein dekha ki humne jitne bhi important features the Uttar Pradesh ke sari cheeze dekhi ki capital city Lucknow hai, most populous state hai India ka. So kuch important फीचर्स हम देखते हैं इस स्टेट के. उत्तर प्रदेश बहुत ही रिच रिच कल्चर यहाँ पे है और ट्रेडिशन भी बहुत जो बिलोंग करता है इंडिया का, यहाँ से बहुत ही रिच कल्चर और ट्रेडिशन बिलोंग करता है. सो फर्स्ट इज इट इज लुक एट दिस पिक्चर. It is located on the banks of the river Ganga. It is also regarded as the holy city of Buddhists and Jains. And is the holiest place for the Hindus.
It is widely considered the second oldest city in the world after Jerusalem. So students, ये एक ऐसी सिटी है जो गंगा रिवर के पास बहुत ही कल्चरल और ट्रेडिशनल सिटी है, ठीक है, गंगा रिवर के पास है. इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द होली सिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स. बुद्धिज्म और जैन्स की होली सिटी भी मानी जाती है कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैन्स बहुत ज्यादा इस सिटी को मानते हैं. एंड इज द होलीएस्ट प्लेस फॉर द हिंदूज. हिंदूज के लिए भी होलीएस्ट प्लेस है, बहुत से टेम्पल्स हैं. गंगा रिवर वन ऑफ द प्योरेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. जो हिंदूज गंगा रिवर को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा होली प्लेस है ये. इट इज वाइडली कंसिडर्ड, इसको सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है आफ्टर जेरूसलम. जेरूसलम एक आपका मिडल ईस्ट में एक सिटी का नेम है. एक उसके बाद जो एक सिटी मानी जाती है, ओल्डेस्ट सिटी, वो मानी जाती है वाराणसी, जिसको हम बनारस भी बोलते हैं. सेकेंड, लुक एट दिस पिक्चर. इट इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स, गोल्डन सिटी ऑफ द ईस्ट, सिराज ए हिंद एंड द कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ इंडिया. इट हैज ऑलवेज बीन ए मल्टी कल्चरल सिटी. एशियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज सिचुएटेड हियर. सो दिस सिटी इज लखनऊ एंड द सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब्स बिकॉज जो आपके एंशियंट रूलर्स रह चुके हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जो रूलर्स रह चुके हैं वो नवाब्स थे. और लखनऊ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी माना जाता था. इसको गोल्डन सिटी ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है. सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद का मतलब जो रूलर का कोई भी रूलर और किंग है उसका जो मुकुट होता है उसको हम सिराज बोलते हैं. तो इस सिटी को सिराज ए हिंद भी बोला जाता है और कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ इंडिया बोला जाता है. कॉन्स्टेंटिनोपोल बेटा रोमन एम्पायर की एक कैपिटल सिटी थी एंशियंट टाइम में, ठीक है. एंड इट इज सेंटर ऑफ दिस वर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल इज यूज्ड फॉर द सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर. जो रूलर्स थे, रोमन एम्पायर था, वो बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज्ड करते थे आर्टिशियंस को, स्कॉलर्स को. तो जस्ट लाइक दैट सिमिलरली लखनऊ हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड अ फेवरेट ऑफ स्कॉलर्स एंड आर्टिशियंस ड्यू टू द नवाब्स विच ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड स्कॉलर्स. सो दिस प्लेस लखनऊ इज ऑल्सो the first asia's first um first place where human dna bank is situated. okay, first asia ka pehla jo human dna bank hai, jo human ka dna jahan preserve karke rakh sakte hain, ye bank bhi sabse pehle lucknow mein hi situate hua tha, theek hai. next is literally it means city of god in persian. It is one of the fastest growing cities in India at present. It is one of the four sites of the Kumbh Mela. It is situated at the confluence of three rivers known as Triveni Sangam. This place is known as Allahabad. Allahabad name se hi aapko pata chal raha hai. Iska meaning hai city of God. Persian mein Allahabad ka matlab city of God hota hai. To isko God ki hi city mana jata hai. इंडिया में आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है ये, ठीक है. कुंभ मेला आपके फोर साइट्स में चार जगह कुंभ के मेले लगते हैं, उसमें से पहला एक साइट जो है वो कुंभ मेले का अलाहाबाद है. त्रिवेणी, तीन नदियों का जो संगम होता है अलाहाबाद में होता है, हिरण, कपिल और सरस्वती, ठीक है. हिरण और कपिल आपकी कुछ हिरण कपिल और जो सरस्वती नदी है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं. ये इनका संगम कौन से कहाँ होता है, अलाहाबाद में ही होता है. नेक्स्ट, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलियस सिटीज इन उत्तर प्रदेश. द सिटी फाइंड्स मेंशन इन द एपिक महाभारत. वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड हियर. वन ऑफ द सेवन वंडर दैट इज ताजमहल. आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ताजमहल का पिक्चर गिवन है. सो आप सबको पता है ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, आगरा में सिचुएटेड है. आगरा के बारे में महाभारत में भी क्या है, मेंशन किया गया है. और ये आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलियस सिटी है. और आगरा के पास कौन सी रिवर लोकेटेड है, रिवर यमुना.
Next, now find out what was the capital of Awadh in the 18th century. 18th century में Awadh की capital क्या थी? Faizabad, which is also situated in Uttar Pradesh. Next, the historical palace was constructed by the Mughal Emperor Akbar. It served as the empire's capital from 1571 until 1585. Though it took 15 years to build, it was abandoned only 14 years because the water supply was unable to sustain the growing population. The surviving place and mosque are a tourist attraction and a UNESCO World Heritage Site. Now, this place is Fatehpur Sikri. Okay, इसको मुगल एम्परर अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था 1571 से 1585 तक. ये जो मुगल एम्पायर था उसकी फतेहपुर सिकरी उसकी कैपिटल थी. बट ओनली इसको बिल्ड होने में कितना टाइम लगा था? इसको 15 साल लगे थे. इसको बिल्ड करते हुए कंस्ट्रक्ट करवाने में 15 साल लगे, पर सिर्फ 14 इयर्स तक ही मुगल एम्पायर की जो कैपिटल रखा. बिकॉज वाई? क्योंकि जो वाटर सप्लाई थी, ठीक है, वाटर सप्लाई जो भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी उसकी वाटर सप्लाई वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी, मतलब उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी. ओके, इसलिए इस प्लेस को खाली 14 साल तक ही कैपिटल रखा गया. द सर्वाइविंग प्लेस एंड मॉस्क आर अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. आज की डेट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है. आगरा में सिचुएटेड है ये. और एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यूनेस्को की वर्ल्ड वाइड जो यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स होती है, जो बहुत ही पुरानी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, दैट इज नोन एज हेरिटेज. तो फतेहपुर सिकरी इंडिया में वन ऑफ द हेरिटेज साइट है. नेक्स्ट, इट इज नोन एज द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ नॉर्थ इंडिया. लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड मीनिंग पता चल रहा है नेम से ही कि यहाँ पे लेदर बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है, फेमस है ये सिटी लेदर बनाने के लिए. एंड इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब कि इस सिटी से सबसे ज्यादा जो स्टेट का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का जो पैसा है कौन सी सिटी से आ रहा है? कानपुर से. दिस सिटी इज नोन एज कानपुर. यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी क्या है, डेवलप्ड है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड भी है और बहुत सारी ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सिचुएटेड है. Next, it is a town in the state of Uttar Pradesh. It is an important Buddhist pilgrimage center where Gautam Buddha attained Nirvana. एक उत्तर प्रदेश का बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है. Why? क्योंकि गौतम बुद्ध जो आपके बुद्धिज्म है उनके जो गॉड माने जाते हैं गौतम बुद्धा, उन्होंने इस जगह में क्या है, निर्वाणा पाया था. निर्वाणा क्या होता है? बुद्धिज्म और जैनिज्म में निर्वाणा उस चीज को बोलते हैं, एक ऐसी स्टेट को जहाँ पे जो भी पर्सन है वो पीस और हैप्पीनेस पा लेता है, ठीक है. अपनी जितनी भी लाइफ की डिजायर्स होती है उसको वो क्या करता है, वो त्याग देता है. So this place is Kushinagar, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने निर्वाणा अटेंड किया था. Next, wow box, KC Saklani of Mathura. UP has written a Hindi book of poetry of 128 poems titled Ek Akshari, in which each first line of a poem starts with the first alphabet of Hindi. Similarly, each second line of each poem start with second alphabet of Hindi. The Hindi alphabets are used in the same order as they are in the Hindi Varnamala. KC Saklani जो मथुरा से थे, मथुरा उत्तर प्रदेश में ही सिचुएटेड है, और हमारे लॉर्ड कृष्णा का जो जन्म स्थल माना जाता है, होम बर्थ प्लेस जो माना जाता है, वो मथुरा ही है. KC Saklani भी मथुरा से ही थी. उन्होंने एक पोएम की बुक लिखी है जिसमें 128 आपकी कविताएं हैं, और उस बुक का नाम है एक अक्षरी. KC Saklani में अपनी हर एक पोएम में पहला अक्षर जो होता है उनका वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में जो पहला अक्षर है, ठीक है, अ आ, ठीक है,
वो पहला अक्षर उनका अ है, सेकंड लाइन का दूसरा अक्षर आ है, थर्ड लाइन का तीसरा अक्षर ई है, ऐसे करते हुए उनके सारे हिंदी अल्फाबेट्स उन्होंने इसी ऑर्डर में, जो वर्णमाला में गिवन है उसी ऑर्डर में उन्होंने यूज किए हैं. नाउ फाइंड आउट वन मोर बॉक्स ऑफ, नाउ फाइंड आउट विच 17th सेंचुरी पोर्ट कंपोज हिज वर्जन ऑफ द एपिक रामायण इन वाराणसी. वाराणसी में कौन से 17वें 17th सेंचुरी के पोर्ट ने रामायण का अलग से एक वर्जन कंपोज किया था वाराणसी में. उस पोर्ट का नाम, पोएट का नाम क्या है? उन पोएट का नाम है तुलसीदास. नाउ डिड यू नो कनौज वॉज द कैपिटल ऑफ 7th सेंचुरी एडी रूलर हर्षवर्धन. इट इज लोकेटेड नियर कानपुर विच इज अ मॉडर्न इंडियन सिटी. हर्षवर्धन जो रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे 7th सेंचुरी के, कनौज उस टाइम पे, हर्षवर्धन जब रूलर थे उस टाइम पे जो कैपिटल था वो कौन सी सिटी थी? कनौज थी. कानपुर के पास ये सिचुएटेड है. नाउ बिफोर 1950 उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंसेस. ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज होते थे उनको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था. आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है ये. तो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किस नेम से जाना जाता था? वन ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस के नेम से जाना जाता था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, इंडियन म्यूजियम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग फर्दर, व्हाट आर म्यूजियम्स? म्यूजियम्स आर बिल्डिंग्स वेयर कलेक्शंस ऑफ वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर कैप्ट एंड शोन टू द पब्लिक. ठीक है, म्यूजियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग आवर लोकल कल्चर. बिकॉज जितने भी आपके एंशियंट प्रोडक्ट्स थे, जो भी हमें साइट से मिलते हैं, या फिर हमारा जो लोकल कल्चर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, आर्ट्स हो, वो सारी चीजें जो यूनिक होती है उनको हम कहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं, कहाँ पे बचा के रखते हैं? वो हम म्यूजियम्स में बचा के रखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन, दिस म्यूजियम, वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज फेमस म्यूजियम्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन इज दिस म्यूजियम वॉज ओपन इन 1982. इट इज लोकेटेड इन भोपाल. इट हैज अ ट्राइबल आर्ट गैलरी which houses a large collection of terracotta figures, wall paintings, wood carving and metal sculptures created by craftsmen in Bastar. 1982 में ये म्यूजियम ओपन हुआ था. और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आपके मध्य प्रदेश के एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी भोपाल में ये सिचुएटेड है. ट्राइबल आर्ट गैलरी, जो ट्राइबल वर्कर्स हैं, ठीक है, ट्राइबल वर्कर्स की जो आर्ट्स है उनको यहाँ यहाँ पे शो किया गया है. विच हाउसेज अ लार्ज कलेक्शन है, कौन कौन से कलेक्शन है? टेराकोटा का, टेराकोटा के फिगर्स बने हुए हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, वुड कार्विंग है जो लकड़ियों पे कारीगरी की जाती है, वुड कार्विंग है, मेटल स्कल्पचर्स हैं, मेटल से आपके जो स्टेच्यूज बनाए जाते हैं. और ये सारी चीजें किसने क्रिएट की है? बस्तार के क्राफ्ट्समैन ने, बस्तार के लोगों ने इन्हें बनाया है. और इस म्यूजियम का नाम है भारत भवन म्यूजियम. क्या नाम है? भारत भवन म्यूजियम. नेक्स्ट वन, दिस म्यूजियम वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय. इट इज द मेन म्यूजियम ऑफ मुंबई. इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्कल्पचर्स एंड मिनिएचर पेंटिंग. इस ये जो म्यूजियम है आप देख रहे हो, इसको फिर से रीनेम करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बताया गया है. ये मुंबई का बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट म्यूजियम है. और यहाँ पे ये म्यूजियम किस चीज के लिए फेमस है? ये म्यूजियम फेमस है आपके ग्रेट स्कल्पचर्स के लिए, बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज के लिए. और यहाँ पे बहुत सी मिनिएचर पेंटिंग्स, जब आप किसी भी पेंटिंग को, किसी भी प्लेस की जब अगर पेंटिंग बनाते हो और उसको जब छोटे छोटे रूप में शो करते हो, बहुत ब्यूटीफुली उसको दिखाते हो, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं. एंड दिस म्यूजियम इज द प्राइस ऑफ वेल्स म्यूजियम. नेक्स्ट, दिस फेमस म्यूजियम इज लोकेटेड इन हैदराबाद. इट हैज मोर देन 40,000 ऑब्जेक्ट्स दैट वंस बिलोंग्ड टू द निजाम ऑफ हैदराबाद बिटवीन 1899 एंड 1949.
ये जो म्यूजियम है आपका हैदराबाद का फेमस म्यूजियम है, यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम क्या होते हैं, जब हैदराबाद के जो रूलर्स थे 1899 से 1949 के बीच में, जितने भी हैदराबाद में रूलर्स रह चुके हैं उनको निजाम बोला जाता है, उन रूलर्स को, उनसे बिलोंग करते हैं। और ये कौन सा म्यूजियम है, दिस म्यूजियम इज सलार जंग म्यूजियम। नेक्स्ट, फोर्थ वन, आल्सो नोन एज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। एस्टैब्लिश्ड इन 1949, इट होल्ड्स अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एरा टू मॉडर्न वर्क्स ऑफ आर्ट। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ क्लास, दिस म्यूजियम, इसको हम नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। 1949 में ये म्यूजियम स्टेब्लिश्ड हुआ है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एरा से लेके मॉडर्न आर्ट जो है यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। और ये कौन इसको हैंडल करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो आपके एट प्रेजेंट जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। और इस म्यूजियम का नेम क्या है बेटा, इस म्यूजियम का नेम है द नेशनल म्यूजियम। नेक्स्ट, दिस म्यूजियम इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड। इट इज लोकेटेड ऑन द शामला हिल्स इन भोपाल। दिस म्यूजियम वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1947। इट इज स्प्रेड ओवर 40 हेक्टर्स एंड हैज ऑथेंटिक रेप्लिकास ऑफ इंडियन ट्राइबल ड्वेलिंग्स बिल्ट बाय द ट्राइबल पीपल देमसेल्फ। इस म्यूजियम को हम नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल के शामला हिल्स में ये लोकेट है। 1947 में ये जो म्यूजियम है एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो एरिया है 40 हेक्टर्स, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, 40 हेक्टर्स के लैंड में इसको स्प्रेड करके बनाया गया है। यहाँ पे इट हैज ऑथेंटिक रेप्लिकास ऑफ इंडियन ट्राइबल ड्वेलिंग्स बिल्ट बाय द ट्राइबल पीपल देमसेल्व्स। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, जब किसी की हम कॉपी करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक जैसा दिखता है उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। जो भी इंडियन ट्राइबल ड्वेलिंग्स हैं, ठीक है, जो भी उनके स्ट्रक्चर्स हैं, हाउसेस हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है इस म्यूजियम में। और ये किसने बनाया है, वहीं के ट्राइबल पीपल ने इनको बनाया है। और इस म्यूजियम का नाम क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम। कौन, क्या नाम है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम। नेक्स्ट वन, दिस म्यूजियम वॉज फॉर्मली नोन एज द लॉ बिल्डिंग। इट हाउसेज एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड एंड एन अर्लियर वर्जन ऑफ द रिक्शास पुसु पुसु। सो दिस म्यूजियम इज, जिसको हम लॉ बिल्डिंग भी बोला जाता था पहले, इसको लॉ बिल्डिंग बोला जाता था। फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड के जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते थे, जितने भी आर्ट प्रोडक्ट्स होते थे यहाँ पे रखे गए हैं। और इसको पहले पुसु पुसु के नाम से भी जाना जाता था। तो दिस म्यूजियम इज द पुडुचेरी म्यूजियम, जो आपका पौंडिचेरी वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी है वहां पे ये स्टेब्लिश्ड है, द पुडुचेरी म्यूजियम। Next, did you know, since 1941, Van Gogh's best work, The Starry Night, has been hung in the Museum of Modern Art, New York. Van Gogh, one of the best artist, इनकी जो best collection है, उनका जो best painting है, that is the Starry Night, ये द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, वहां पे हैंग की हुई है आज की डेट तक। Find out where is National Handicrafts and Handloom Museum situated? National Handicrafts and Handloom Museum कहाँ पे situated है? New Delhi में situated है। और ये जो आपका म्यूजियम है mostly जितने भी आपके handicrafts हैं, ठीक है, हैंडलूम्स हैं, हस्तकला भी बोला बोला जाता है इस म्यूजियम को, नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हस्तकला म्यूजियम। यहाँ पे पेंटिंग्स, एम्ब्रॉयडरीज, टेक्सटाइल्स और बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स जो क्ले से बनते हैं, स्टोन से बनते हैं, वुड से बनते हैं, रखे गए हैं। और मोस्टली ये किससे किस चीजों से बने हुए हैं, ये हाथों से बने हुए हैं।
नेक्स्ट इज वेयर इज वॉटसन म्यूजियम सिचुएटेड इन इंडिया. वॉटसन म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया में? ये गुजरात में शॉर्ट शास्त्र एक जगह का नाम है, वहां पे सिचुएटेड है. सो इस म्यूजियम में बेसिकली क्या चीजें हैं, जो मोहनजोदारो आपका एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो, एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ 13th सेंचुरी कार्विंग्स, टेम्पल स्टैच्यूज, कॉस्ट्यूम्स एंड डिजाइन ऑफ द हाउसेस ऑफ द लोकल ट्राइबल पीपल एटसेट्रा, ये सारा कलेक्शन वॉटसन म्यूजियम जो सौर शास्त्र गुजरात में सिचुएटेड है, ये सारी चीजें वॉटसन म्यूजियम में क्या है रखी हुई है. इन सारी जो आपके आर्कियोलॉजिकल आइटम्स होते हैं, आपने हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी पढ़ी है, आर्कियोलॉजिकल आइटम्स हैं, कॉइन्स हैं, ट्रेडिशनल पॉट्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीजें गुजरात के शौर शास्त्र में वॉटसन म्यूजियम में क्या है रखी हुई है. नेक्स्ट वाई वाई बॉक्स, द इजिप्टियंस ममीफाइड द डेड. The Egyptians believed that the dead needed their bodies for the trip to the afterlife, so they carefully prepared the bodies for the journey. They placed the bodies organ in special jars. आप सबने देखा होगा जो मूवी भी देखी होगी द मम्मी के नेम से, बहुत सारी मूवीज भी हैं. तो जो इजिप्टियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी हमारी जो बॉडी है एक ट्रिप पे जाती है, तो उस बॉडी को हमें आफ्टर लाइफ, हमारी लाइफ के बाद के लिए प्रिपेयर करना है. तो वो क्या करते हैं, जर्नी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बॉडीज को बहुत अच्छे से, बॉडी ऑर्गन को अच्छे से क्या करते हैं, कवर करते हैं और एक स्पेशल जार्स में रखते हैं. ये ममीफाइड करने का इजिप्टियंस का जो है बिलीव है एक. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच क्लास.